दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले मुकाबले में मिली हार के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने बदल डाली पूरी टीम और टीम में कुछ किए नए सनसनीखेज बदलाव, जिनको देख भारतीय क्रिकेट में आ गया है भूचाल। और आखिरकार भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर किन नए खिलाड़ियों की टीम में कराई है एंट्री, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, दूसरे मुकाबले में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल में से कौन सा खिलाड़ी बनाएगा सबसे ज्यादा रन? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मुकाबला मोहाली के स्टेडियम में खेला गया था, जहां भारतीय टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने सर्वाधिक 71 रनों की पारी खेल भारत को 20 ओवर में 208 रन 6 विकेट के नुकसान तक पहुंचा दिया था। तो वहीं जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी तो इस मुकाबले को 4 गेंद पहले ही 4 विकेट से जीत गई, जहां भारतीय टीम की तरफ से अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। लेकिन अब पहले मुकाबले में हार के बाद दूसरे मुकाबले पर भारत की निगाहें टिकी हुई हैं, जहां दूसरा मुकाबला नागपुर के स्टेडियम में 23 सितम्बर को खेला जाएगा। और इस मुकाबले में भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया और अपनी टीम में सनसनीखेज बदलाव कर सभी को चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, राहुल द्रविड़ ने अपनी टीम में ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल को रखा है, जहां दोनों बल्लेबाजों ने पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी। उसी तरीके से इस मुकाबले में भी दोनों बल्लेबाजों से शानदार बल्लेबाजी की उम्मीद की जाएगी। हालांकि इस बार रोहित शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद कोच ने करी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा कप्तान होने के नाते कोच का भरोसा जीत पाएंगे या नहीं। तो वहीं केएल राहुल का फॉर्म शानदार है और बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए राहुल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय टीम की सलामी जोड़ी टीम को जीत दिला सकती है। तो वहीं इसके अलावा मध्यक्रम में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और दिनेश कार्तिक खेलते हुए दिखाई देंगे, जहां विराट कोहली अब की बार बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार होंगे। तो वहीं सूर्य कुमार यादव पिछले मुकाबले की तरह बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ दिनेश कार्तिक को एक और बार बेहतर प्रदर्शन के लिए मौका दिया जाएगा। तो वहीं ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देंगे, जहां दोनों ने पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था, तो वहीं दूसरे मुकाबले में भी उनसे इसी तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। हालांकि हार्दिक पांड्या पर गेंदबाजी में भी भरोसा जताया जाएगा, तो वहीं अक्षर पटेल से बल्लेबाजी में निपुणता मांगी जाएगी और दोनों अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को जीत दिला सकते हैं। इसके अलावा फिरकी गेंदबाज के रूप में युजवेंद्र चहल पर काफी ज्यादा उम्मीद भारतीय टीम की रहेगी। इसके अलावा तेज गेंदबाज के रूप में उमेश यादव की जगह जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, क्योंकि उमेश यादव को सिर्फ मोहम्मद शमी की रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया गया था और वो भारतीय टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी नहीं है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के लौटते ही उमेश यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार दोनों ने 8 ओवर में मिलकर 101 रन लुटा दिए, लेकिन फिर भी टीम में उन दोनों को खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर इस मुकाबले में दोनों खिलाड़ी खराब प्रदर्शन करते हैं तो टीम से बाहर करने के लिए टीम मैनेजमेंट विचार करेगी और इसी प्लेइंग 11 के साथ भारत दूसरे मुकाबले के लिए खेलने के लिए उतरेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में किन खिलाड़ियों के बदलाव के साथ उतरेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।